और भोपाल का जिक्र करेंगे जहां शिव कुमार कक्का हिरासत में लिए गए। शताब्दी एक्सप्रेस से चंडीगढ़ जाने का प्रयास कर रहे थे। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के वो संयोजक हैं। क्राइम ब्रांच दफ्तर में फिलहाल उन्हें बैठाया गया है। मामला अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर क्यों हिरासत में लिया गया, लेकिन चूंकि किसान नेता है, दूसरी तरफ लगातार पुलिस मोर्चा संभाले हुए है दूसरी जगहों पर, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक को चंडीगढ़ जाने से रोकना, शताब्दी एक्सप्रेस से जाना चाहते थे, लेकिन शिव कुमार कक्का पहले ही भोपाल में हिरासत में उन्हें लिया जा चुका है। क्राइम ब्रांच दफ्तर में फिलहाल उन्हें बिठाया गया है। हो सकता है कि पूछताछ चल रही हो। अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया कि किस मामले को लेकर उन्हें चंडीगढ़ जाने से रोका गया है। तो ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जब पुलिस की हिरासत में क्राइम ब्रांच दफ्तर में वो बिठाए गए। और खरगोन से अगली जानकारी, जहां पीएम मोदी ने टंटिया भील यूनिवर्सिटी का वर्चुअल शुभारंभ भी किया है। खरगोन के सरकारी महाविद्यालय में इस दौरान उत्साह का माहौल दिखा। पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार और अधिकारी मौजूद रहे, जबकि छात्रों ने पीएम और सीएम का आभार व्यक्त किया। यूनिवर्सिटी से 5 जिलों के हजारों छात्रों को अनुसंधान और नए कोर्स में पढ़ने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने झाबुआ के कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी का शुभारंभ किया। विद्यालय की खरगोन को सौगात मिली, ये बड़ी सौगात मानी जा रही। 1 जनवरी को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा था, उस दौरान विधायक जी ने कृषि महाविद्यालय घोषणा करी थी, लेकिन महाविद्यालय की जगह विश्वविद्यालय मिला, क्या मानते, क्या कहना आपने? बहुत ही हम खरगोन की जनता अति प्रसन्न है और प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने खरगोन जिले को विश्वविद्यालय की सौगात दे करके और खरगोन के विकास को एक प्रकार से पंख दिए, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, क्या मानते हैं आपने, केवल ये मांगा था कृषि विद्यालय और यहाँ पे विश्वविद्यालय की सौगात मिल गई, आपकी सीएम साहब से चर्चा भी हुई? निश्चित रूप से सीएम साहब ने उसी दिन कहा था 1 जनवरी को कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, तो यहाँ पर इसके महाविद्यालय होने से एग्रीकल्चरालय हो ही गया और दूसरी मांग हमारी जो संभाग की थी तो उसको भी इससे बल मिला, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से खरगोन संभाग भी बनेगा। लोगों में कितनी खुशी है, जिस प्रकार से अपार खुशी है, लोग खुश प्रसन्न नहीं गदगद हैं, लोग खुश प्रसन्न नहीं है गदगद हैं, और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की आज ये सौगात मिली है, लोगों में काफ़ी खुशी है और लोगों का ऐसा मानना है कि विश्वविद्यालय के जरिए अब जो है जो संभाग की राह है वो खरगोन की और आसान होगी और रोजगार भी विश्वविद्यालय के जरिए मिलेगा। आशुतोष पुरोहित, News18 खरगोन। और अब जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा पूरे प्रदेश में। पूरा छत्तीसगढ़ इस पूजन दिवस को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से सज्ज। जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री की तरफ से यह ऐलान, मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में सीएम की तरफ से ऐलान किया गया। 14 फरवरी खास दिन, माता पिता की पूजा करते हुए आपको बच्चे नजर आने वाले छत्तीसगढ़ के, क्योंकि ये ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। जनों की तरफ से ये आग्रह हुआ है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित किया जाए, तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित करता हूँ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन हाजिर होते हैं।